हरे कृष्ण। तो आज हम मायापुर इस्कॉन कैंपस का टूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है गदा भवन। गदा भवन बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से गदा भवन का बुकिंग होने के साथ साथ प्रसादम के लिए टोकन भी मिलता है। यहाँ पे बहुत सुंदर एक रेस्टोरेंट है और जो गदा भवन प्रसादम हॉल भी यहाँ पे है। तो जो लोग लाइव मेंबर होते हैं या जो बाहर से भी प्रसाद लेना चाहते हैं यहाँ पे आके प्रसाद ले सकते हैं। यह है मेन प्रसादम हॉल का रास्ता। यहाँ पे देखिए जो राइट साइड से जो रास्ता है यहाँ पे जो लोग टोकन लेके जाते हैं उनको छोड़ा जाता है। लेकिन अगर आपके पास लाइव मेंबर कार्ड है तो उसमें फ्री कूपन बंसी भवन से मिला होता है, उसी कूपन को दिखा के आप बिना लाइन लगाए जा सकते हैं। ये देखिए प्रसादम का रेट यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके साथ साथ इसके जस्ट साइड में ये गिफ्ट शॉप है इस्कॉन का। और ये गदा भवन जो फर्स्ट फ्लोर में इसका रिसेप्शन है वहाँ जाने का रास्ता, और इस तरफ से आप रेस्टोरेंट जो है वहाँ का रास्ता है जाने के लिए। और यहाँ पे जो लोग प्रसादम हॉल में मील खाना नहीं चाहते, कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हैं या फिर रेस्टोरेंट से कुछ अगर खाना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट के अंदर या बाहर बैठ के भी खा सकते हैं। वैसे वहाँ कुछ जो भक्त हैं जो गदा भवन का प्रसादम हॉल से प्रसाद लेके खा के यहाँ पे आके थोड़ा बैठ के रिलैक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे शौचालय और पानी पीने का जगह ये सब का सुविधा है। और यहाँ पे ये बरेंडा में भी चेयर पड़ा हुआ है जहाँ पे आप उस समय बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। गदा भवन के सामने एक सुंदर गार्डन है जहाँ पे रंग बिरंगे फूल हर साल के 12 महीना खिलता रहता है। और यहाँ पे बड़ा वाला लॉन है और ये परिवेश को बहुत सुंदर बनाता है। और गदा भवन से आपको जो बिल्डिंग दिखाई देता है वो बिल्डिंग में गदा का चिन्ह रहता है, इसी से आप पहचानेंगे कि ये गदा भवन है। गदा भवन के जस्ट सामने एक बहुत बड़ा पार्क भी है, वहाँ पे भी सुंदर घास का लॉन है, वहाँ पे भी बैठ के आप रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर फूल खिले हुए हैं। और ये वो सामने वाला पार्क है, यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, माता जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और उन माता जी के पीछे देखिए पार्क। और ये जो नया मंदिर बन रहा है न्यू चंद्रोदय टेम्पल, TOVP कहते हैं हम उसको, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, ये मंदिर बन रहा है जो कि 2024 तक तैयार हो जाने का आशा है। ये जो नया मंदिर है ये मंदिर का खासियत ये है कि ये एक मंदिर होने के साथ साथ एक प्लानिटेरियम है। वेद और जो हमारे भागवतम में ब्रह्मांड का जो मॉडल दिया हुआ है उसी के अनुसार एक सेंडलियर या फानुस हम जिसको कहते हैं या झूमर की तरह जो टेंपल का डोम है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डोम है, इसी डोम से अंदर की तरफ वो झूलेगा और वहीं पे हमारा जो ब्रह्मांड के 14 लोक दिखाए जाएंगे। अभी देखिए टेम्पल के सामने हम पहुंच चुके हैं, जो पुराना टेम्पल यहाँ पे गोल और अभी हम चलते हैं इस्कॉन मायापुर के अंदर जो गुरुकुल है, गुरुकुल के लिए रास्ता है।
हम इस बार जब मायपुर गए थे तो हमको सौभाग्य से गुरुकुल को भी देखने को मौका मिला था। गुरुकुल का रास्ता काफ़ी लंबा है, यहाँ अंदर कोई ऑटो वोटो अलाउ नहीं होता है, आपको चल के ही जाना पड़ेगा। ये 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, ऐसे ही पगडंडी का रास्ता है जहाँ पे ऐसे ईंट पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत सुंदर एनवायरनमेंट में गुरुकुल है। गुरुकुल में अलग अलग देशों से बच्चे पढ़ाई करते हैं और यहाँ पे सादा जीवन, उच्च विचार और खुद का काम खुद करना सिखाया जाता है। बच्चे खुद खाना बनाते हैं, सब्जी खुद काटते हैं, मसाला रगड़ते हैं और भगवान के लिए भोग बना के भगवान को भोग लगाते हैं और हर समय वो प्रसाद ही पाते हैं। उनका जो वेशभूषा होता है वो भी धोती कुर्ता में वो लोग रहते हैं और सुबह 3:30 बजे उठकर पहले 45 मिनट बच्चे जप करते हैं, हर नाम महामंत्र का जप करते हैं और उसके बाद वो अपने जो दिनचर्या शुरू करते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं वो भगवान का पूजा करते हैं, शालिग्राम का पूजा करते हैं, उनको नहलाना, उनको भोग लगाना, उनका श्रृंगार करना, ये सब काम करते हैं। और जो बच्चे होते हैं, छोटे भक्त होते हैं, वो उनको उनके उस काम में सहायता करते हैं। गुरुकुल में हर रोज भक्तों के द्वारा यज्ञ कार्य भी किया जाता है और जो गुरु होते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को हिसाब से यहाँ पे बच्चों को मंत्रोच्चारण और पूजा करने की विधि ये सब भी सिखाया जाता है। सुबह भगवान की आरती के समय बड़े भक्त बच्चों को नृत्य करना, भजन गाना, मृदंग बजाना और करताल बजाना ये सिखाया जाता है और बच्चे ये माहौल में बहुत खुश रहते हैं और अलग अलग देशों से यहाँ पे जापान, रशिया, चाइना, अमेरिका, ऐसे अलग अलग जगह से बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और अंत में आइए संध्या आरती का दर्शन करते हैं पंचतत्व के साथ। और मायापुर चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थली और लीला स्थली है तो इसलिए ये मायापुर धाम इतना प्रसिद्ध है। आइए भगवान की आरती सुनते हैं। हरि बोल।